फाइनली हो गया। उफ रिया, आज तो कुछ ज्यादा ही काम था। हाँ रोनी, वाकई ये तो है, लेकिन शुक्र है कि वक्त पे सारा काम हो गया। ये बात तो है रिया, हम एक दूसरे की मदद से सब काम मुकम्मल कर सकते हैं। सो तो है रोनी। अच्छा रोनी, मुझे आपसे कुछ पूछना था, लेकिन इतना ज्यादा काम था कि मैं आपसे पूछ ही नहीं पाई और मैं भूल गई। रिया, जो भी अभी तक आपने मुझे गिफ्ट दिए हैं, कहीं आप उनके पैसे तो नहीं मांगने वाली? देखो रिया, किसी को गिफ्ट देकर पैसे तो नहीं लेते ना, ये तो बुरी बात है। इतनी बड़ी होकर आप अब ऐसा करोगी? ओहो रोनी, कुछ भी, आपकी सोच को भी मेरा सलाम है। हर बात को मजाक में टाल देते हैं आप। अच्छा रिया, अब मैं एकदम सीरियस हूँ, पूछे आप जो पूछना चाहती हैं। रोनी, पूछना मुझे ये था कि आज जब आप ऑफिस आए तो मैंने आपके हाथ में एक बैग देखा था, क्या है उस बैग में? बैग में ऐसी चीज है जो मेरी सबसे बड़ी विश है। ऐसी क्या चीज है रोनी उसमें? रोनी, क्या मैं देख सकती हूँ उस बैग को? हाँ हाँ रिया, जरूर, इसमें पूछने की क्या बात है, आप देख सकें। How sweet of you, रोनी। अब मैं देखूं कि इस बैग में आखिर है क्या। ये क्या रोनी, इसमें तो मदर टेरेसा की पिक्चर है। रोनी, आप इनको जानते भी हैं या ऐसी इनकी पिक्चर रख ली है आपने? जी रिया, मैं इनको जानता हूँ। अच्छा रोनी, तो बताएं फिर ये बुजुर्ग से आदमी कौन है? रिया, ये डॉक्टर बिली ग्राम है। ओके, ये बताओ ये खूबसूरत सी आंटी कौन है? रिया, ये डॉक्टर रूथ फाउ हैं। ये तो ठीक है रोनी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब लोग आपकी विश कैसे हो सकते हैं। ओ ओ रिया, मैं आपको बताता हूँ। नहीं रोनी नहीं, ये सब लोग तो मर चुके हैं, कहीं आप भी तो मरना नहीं चाहते? नहीं रोनी, ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचना बुरी बात है, खुदा नाराज होता है ऐसा सोचने से। हद है रिया, वेरी फनी, आप पहले मेरी बात तो सुन ले, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा रोनी, ठीक है, तो फिर आप मुझे बताएं इन तस्वीर के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रिया, ये सब मेरे पसंदीदा लोग हैं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं भी इनके जैसा बन सकूं। वाओ रोनी, ये तो बहुत अच्छी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको इसी तरह इस्तेमाल करे जैसे इन सब लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। थैंक यू सो मच रिया, आप हमेशा बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। सो नाइस ऑफ यू रोनी, आप भी मेरे भाई हैं। रिया, मैं ऐसा क्या करूं ताकि खुदा मुझे भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे? रोनी, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, तो आपको दो बातें याद रखनी होंगी। अच्छा, कौन सी दो बातें रिया? रोनी, तो पहली बात ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पाक कलाम को पढ़ना है और उसका इल्म हासिल करना है, और दूसरी बात ये कि आपको खुदावंद के साथ रोजाना रफाकत रखनी है। अब मुझे पता है रोनी कि आप क्या सोच रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि रफाकत क्या है। तो रोनी, रफाकत यानी खुदा उनके साथ वक्त गुजारना। रिया, क्या हम खुदा के साथ रफाकत रख कर खुदा को खुश रख सकते हैं? जी जी रोनी, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना और आयात को याद रखना ही इसका तरीका है, और बाइबल मुकद्दस खुदा उनका मोहब्बत भरा कलाम है, और ये हमें बताती है कि हम कैसे खुदा उनको जान सकते हैं और उसके साथ रफाकत रख सकते हैं। लेकिन रिया, मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ मगर बहुत सी बातें समझ नहीं पाता। तो रोनी, इसके लिए आप जब भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ो तो खुदा के पाक रूह से मदद मांगो कि वो आपको सिखाए
और इसके लिए दाऊद की दुआ हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। जबूर 119 और उसकी 18वीं आयत में यूं मरकूम है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजाइब देखूं। आमीन। रिया, अब से मैं बाइबल को गौर से पढ़ना शुरू करूंगा। मगर मगर क्या रोनी? मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बाइबल को कहां से पढ़ना शुरू करूं। रोनी, उसके लिए यूहन्ना की अंजील का रोजाना एक बाब आप जरूर पढ़ा करो। और फिर रिया? और फिर मत्ती की अंजील और फिर पूरा नया अहदनामा। रिया, मुझे याद कैसे रहेगा कि मैंने पढ़ लिया है? आपको तो पता है कि मैं भूल जाता हूँ। बहुत ही आसान हल है मेरे भुलक्कड़ भाई रोनी, जो आयात पढ़ो उन्हें अंडरलाइन कर लो। थैंक यू। हाय रोनी, इतना थका हुआ थैंक्स। क्योंकि आपने मुझे भुलक्कड़ कहा। हाँ मैं हूँ, पर आपको तो नहीं कहना चाहिए ना। ओके रोनी, अब नहीं बोलूंगी। जी शुक्रिया रिया, आप कभी कभी बच्चों जैसी बातें करती हो। जी रोनी, क्योंकि बच्चे हर बात को दिल से कबूल करते हैं और खुदावन को भी बच्चे बहुत ज्यादा अजीज हैं, इसलिए खुदावन के पाक कलाम में बच्चों का बहुत ज्यादा जिक्र है और उन्हें बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। जी रिया, ये तो है। और रोनी, खुदावन के पाक कलाम में जब हम पढ़ें तो पहला पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत में यूं मरकूम है, नवजात बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। रिया, आप कैसे इतनी सारी आयात को याद कर पाती हो? रोनी, आयात तो आप भी याद कर लेते हैं और भी ज्यादा आयात आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि खुदा का पाक कलाम एक मसीही खिदमतगुजार के लिए हथियार है। वाओ, तो मैं भी अब से ज्यादा आयात को याद करूंगा और स्ट्रांग होता जाऊंगा। शाबाश रोनी, मगर स्ट्रांग होने के लिए आयात को सिर्फ याद नहीं करना बल्कि खुदा के पाक कलाम पे अमल भी करना जरूरी है। जी जी रिया, जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे भी खुदा के लिए इस्तेमाल होना है। बेस्ट विशेस रोनी, मगर याद रखना कि आप जिन लोगों से इंस्पायर्ड हो उन्होंने खुदावन के साथ अपनी रफाकत को कभी टूटने नहीं दिया। मैं भी ऐसा ही करूंगा, बस मुझे बता दो कि कैसे। रोनी, खुदावन से बात करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढो जहां आप खुदावन के पाक कलाम में से खुदावन की बातें सुनो। और अपनी बातें कैसे बताऊं खुदा को? बेसब्रे रोनी भाई साहब, कितनी बार बोल चुकी हूँ कि अपनी भूलने की आदत को कम करो, फिर कहते हो कि रिया आपको भुलक्कड़ कहती हैं। अब मैंने आपको क्या कह दिया? क्यों, भूल गए आप कि खुदा के साथ बातें कैसे करनी हैं? नहीं नहीं रिया, मुझे याद आ गया दुआ के जरिए। शुक्र है याद आ गया आपको, और अब इसके लिए आपको खुदा के साथ गुजारने के लिए खास वक्त मुकर्रर करना होगा जिसमें आपका सारा ध्यान खुदा के साथ उसकी रफाकत में गुजरे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रिया, मैं जरूर अमल करूँगा। खुदावन ऐसा करने में रोनी आपकी बहुत ज्यादा मदद करे। चलो रोनी, अब मैं पूरे महीने के लिए आपके लिए आयात को याद करने के लिए एक चार्ट बना देती हूँ जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जबरदस्त रिया, आप कितनी अच्छी हो। चलो, जब तक आप चार्ट बना रही हो मेरी, तब तक अमजद भाई से स्टोरी सुन लेते हैं। ओके रोनी, ये भी ठीक है। वेलकम टू स्टोरी टाइम। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? इरफान और उसकी पोशीदा तलवार की कहानी में आप सबको खुशामदीद। पिछली कहानी में हमने ये जाना था कि आरिफ सुमेरा के लिए एक तोहफा लेकर आता है और फिर इरफान अपना हिसाब का होमवर्क करना भूल जाता है और वो अपनी पोशीदा तलवार के बारे में मिस्टर नासिर को बताता है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्लास के अंदर काफ़ी खामोशी छा जाती है और तमाम तालिब इल्म इस बात का इंतज़ार करते हैं कि देखें कि मिस्टर परवेज़ अब इरफान के साथ क्या करते हैं। मिस्टर परवेज़ इरफान को गौर से देखते हैं और फिर कुछ देर खामोशी के बाद इरफान से कहते हैं, ठीक है इरफान, तुम स्कूल के बाद रुक कर अपना आज का और कल का होमवर्क मुकम्मल कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम आज रात फिर दुआ करो और दुआ में मशगूल होकर अपना होमवर्क करना भूल जाओ, और तुम्हारी जो कुछ आयत है उसके बारे में भी मुझे अगर तुम्हें कोई जवाब मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना। जमायत में से किसी ने मुस्कुराते हुए हल्की आवाज़ में कहा कि इसका एक जवाब तो मेरे पास मौजूद है,
मिस्टर परवेज ने अपनी किताब उठाई और क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और क्लास के बाद इरफान ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया और वो काफ़ी थक गया था। जब वो अपने घर गया तो उसने दूर से सुमैरा को हाय किया और खाना खाने के बाद अपनी साइकिल को खड़ा करने के लिए बाहर गया तो आफाक उसका इंतज़ार कर रहा था। आफाक ने उसे कहा कि इरफान, क्या हम आपस में बात कर सकते हैं? इरफान ने कहा, हाँ चलो मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। वो इरफान के कमरे में गए और बैठकर बात करने लगे। और आफाक ने इरफान से कहा कि इरफान, क्या आज सुबह तुम खौफजदा नहीं थे? तुमने मिस्टर परवेज से कैसे इस तरह की बात की? और तुमने मेरी होमवर्क की कॉपी क्यों नहीं ली ताकि तुम उसकी नकल करते और मुसीबत में ना पड़ते? इरफान ने आफाक से कहा कि मैं ऐसा करना चाहता था लेकिन मुझे अपनी पोशीदा तलवार याद आ गई। इरफान ने आफाक को सुमैरा का दिया हुआ किताबी निशान दिखाया और उसे कहा कि यसु नहीं चाहता कि मैं किसी को धोखा दूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी हिसाब की कॉपी नहीं ली और मैंने यसु मसीह पर भरोसा किया। आफाक ने जोर देते हुए इरफान से पूछा कि क्या तुम मिस्टर परवेज को ये बताते हुए खौफजदा नहीं थे? इरफान ने कहा कि मैं शुरू में तो खौफजदा था लेकिन यसु ने मेरी मदद की कि मैं सच बोलूं और उसने मेरा सारा खौफ ख़त्म कर दिया। आफाक ने फिर उससे पूछा, अगर ऐसा ही था तो उस दिन गमलों के लिए खुदावंद यसु मसीह ने तुम्हारी मदद क्यों ना की? आफाक, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मगर अब मैं जान गया हूँ कि नजात याफ्ता होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमसे कोई गुनाह नहीं होगा। इरफान ने आफाक को मुस्कुराते हुए समझाना शुरू किया कि गुनाह आलूदा फितरत जो हमारे अंदर रहती है हमें मजबूर करती है कि हम गुनाह करें। आफाक ने उससे कहा कि ये तो ऐसे ही है जैसा नाजिया ने मुझसे कहा था। क्या नाजिया को पहले इस बात का इल्म था? इरफान ने कहा, नहीं, लेकिन अब वो जानती है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो यसु मसीह के पास आकर उसे इकरार करना होगा और यसु उसे दोबारा से उसके काम पर बहाल कर दे। आफाक ने फर्श से उठते हुए ठंडी सांस ली और कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है और मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। आफाक ने इरफान से कहा कि मैंने जावेद के साथ और दूसरे लड़कों के साथ जाने की हामी भर ली है और मैं उसके साथ दरिया के किनारे कश्ती की मरम्मत के लिए जाऊँगा। इरफान ने उसे मना किया कि वो तुम्हें ज़रूर किसी मुसीबत में फंसाएगा, तुम उसके साथ ना जाओ, लेकिन आफाक नहीं माना और वो चला गया। अगले दिन हफ्ता था। इरफान अपने घर के लॉन की सफाई कर रहा था और जब वो सफाई कर रहा था तो उसे आफाक की याद आ रही थी और वो उसके लिए फ़िक्रमंद था कि जाकर दरिया के किनारे उसे देखे कि वो क्या कर रहा है। तभी उसके वालिद साहब ने घास काटने की मशीन का एक पुर्जा इरफान को लाने के लिए कहा। इरफान वो पुर्जा लेकर बाज़ार गया और काफ़ी तलाश करने के बाद उसे वो पुर्जा नहीं मिला। वक्त गुजरने के साथ साथ इरफान काफ़ी परेशान हो गया और उसने दुआ की और कहा कि प्यारे खुदावंद यसु, इस पुर्जे को तलाश करने में मेरी मदद करें। और जैसे ही उसने दुआ की और दुआ करने के बाद वो अगली दुकान पर गया और उस दुकान के मैनेजर को उसने बताया उस पुर्जे के बारे में, तो मैनेजर ने वही पुर्जा लाकर उसके सामने रख दिया। इरफान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो बहुत खुश हुआ, उसने खुदावंद का शुक्रिया अदा किया और साथ ही वो आफाक के लिए भी और उसकी सलामती के लिए भी दुआ करने लगा कि खुदावंद उसके साथ हो और उसे सलामत रखे। अब क्या आफाक दोबारा मुसीबत में फंसेगा? क्या इरफान उसे ढूंढ पाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ बाइबल पोस्ट ऑफिस का आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि खुदा आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे तो फिर आप भी खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर दें और खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारें और खुदा को अपनी जिंदगियों में काम करने दें। और बच्चों, जितना ज़्यादा आप खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे और उसके साथ वक्त गुजारेंगे, खुदावंद उतना ही ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ मुझे और रोनी को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। बाय बाय।